हेलो माय लवलीज, तो आज हम बनाने वाले हैं आलू पालक लहसुनिया। तो इसकी तैयारी मैंने पहले से ही कर ली है। तो यहाँ पे मैंने 3 से 4 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए थे, जिनको मैंने ऐसे ही छोटे छोटे काट लिया है। यहाँ पे मैंने पालक ले ली है, तो यहाँ पे मैंने करीबन 1 बंच पालक को ब्लांच करके उसकी प्यूरी बना करके ले लिया है। पालक को ब्लांच करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, पहले पानी को बॉइल दें। जैसे ही पानी में बॉइल आ जाए, फ्लेम को ऑफ कर दें और साफ धुले हुए पालक की पत्तियों को उस बॉइलिंग हॉट पानी में डाल दें, ढक दें और इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से ढके रहने दें। 5 मिनट बाद आप पत्तों को निकालें और इसको ठंडा होने के बाद एक मिक्सी के ग्राइंडिंग जार में डाल करके ग्राइंड कर लें और आपकी पालक की प्यूरी तैयार हो जाएगी। यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया है, बिल्कुल बारीक काट करके ले लिया है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ले लिया इस तरीके से जूलियंस में काट करके। एंड ऑब्वियसली हम लहसुन या आलू पालक बना रहे हैं, तो लहसुन लिया है मैंने 3 से 4 मोटी मोटी कलियाँ थी, तो मैंने इनको इस तरीके से चॉप कर लिया है। पतली पतली कलियाँ हो तो आप थोड़ी सी ज़्यादा ले लीजिएगा। और यहाँ पे मैंने 2 टमाटर ले लिए हैं, जिनको मैंने इस तरीके से बारीक चॉप करके ले लिया है। आपके यहाँ अगर टमाटर के टुकड़ों को पसंद नहीं किया जाता है तो आप टमाटरों की प्यूरी करके भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देसी टमाटरों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आलू पालक लहसुनिया बनाने के लिए सबसे पहले हम कढ़ाई में डाल देंगे सरसों का तेल। तो जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे ये कटे हुए आलू। तो पहले हम आलूओं को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हैं मैंने इस समय ऑयल बहुत ही कम डाला है और इस कम ऑयल में ही हम आलूओं को फ्राई करेंगे। और आलूओं को हम इसी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक इनके ऊपर ना एक बढ़िया हल्का सा गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता, मतलब ये हल्के से ना करारे से नहीं हो जाते, अच्छे लगते हैं लहसुनिया आलू पालक जब भी आप बनाएं। तो इस तरीके से हल्का सा आलू को अगर पहले से ही सॉटे कर दिया जाए ना तो बहुत बढ़िया लगता है। अच्छा, इस समय ना काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं, शुरुआत में ही ना हल्का सा नमक डाल देते हैं। बट अभी अगर आप नमक डाल दोगे ना तो ये करारे नहीं होंगे, इनके ऊपर ये जो बाहर जो करारी वाली जो कोटिंग है ना वो नहीं आएगी, तो ये पानी छोड़ देंगे, ये पक जाएंगे। तो अगर आपको वो करारी वाली कोटिंग चाहिए ना तो शुरुआत में आपको इसको इसी तरीके से फ्राई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो आलू हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से करारे हो चुके हैं। और यहाँ पे चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी बड़ा साइज पीस था आलू का एंड बहुत ही आसानी से कट गया, तो ये पक भी चुका है। तो अब हम इसको निकाल लेते हैं एक अलग सी प्लेट में। तो यहाँ पे मैंने सारे आलू निकाल दिए हैं। अब हम सेम ही कढ़ाई में डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 2 तेज़पत्ते डाल देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे अपनी बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज को बढ़िया गोल्डन होने तक हम सॉटे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो प्याज ऑलमोस्ट सॉटे हो चुकी है, तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो यहाँ पे हम डालेंगे करीबन 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हम हल्दी पाउडर डाल देंगे, लाल मिर्च। तो लाल मिर्च दोस्तों मैं बहुत थोड़ी सी डाल रही हूँ क्योंकि ये वाली जो लाल मिर्च है ना मेरी बहुत ज़्यादा तीखी है, तो यहाँ पे मैंने कम ही डाले हैं। और सूखे मसाले ऐसे डायरेक्टली आप जब प्याज के साथ ही डाल देते हो ना तो बहुत ही अच्छे से ये फ्राई होते हैं। तो ट्राई यही करिएगा कि आप पहले इनको प्याज के साथ ही सूखे मसाले डाल दें और फिर आप टमाटर डालें, मतलब सूखे मसाले जब आपके भुन जाएँ तब आप इसमें टमाटर डालें। और अब इन टमाटरों को जल्दी पकाने के लिए हम इसमें डालेंगे नमक शमक। तो यहाँ पे मैं सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए इसमें आपको गुठले दिखाई दे सकते हैं, हेल्दी होता है। तो यहाँ पे मैं आपको एक टिप देती चलूँ, तो इस समय बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहे हैं कि कौन सा नमक सही कौन सा नहीं, तो मैंने क्या किया है, 1 महीने सेंधा नमक चलता है और 1 महीने वो नॉर्मल वाला नमक चलता है। तो अब हम इसको ढक करके 5-6 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक टमाटर अच्छे से गल नहीं जाते। तो यहाँ पे टमाटरों के हालचाल ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो हमारे टमाटर बहुत ही जल्दी गल गए हैं, यही फ़ायदा होता है ये देसी टमाटरों का, बिल्कुल ढकते ही पक जाते हैं। तो दोस्तों इसको आपको और भी ज़्यादा गलाने हों तो आप गला सकते हैं, बिल्कुल गला सकते हैं। कुछ लोगों को बिल्कुल गले हुए बिल्कुल मुंह में टुकड़ा ना आए उस तरीके के टमाटर चाहिए होते हैं और कुछ लोगों को थोड़े से पीसेस चाहिए होते हैं, तो मुझे इसी तरीके के चॉप्ड टमाटर पसंद है जो बीच बीच में आए, थोड़ी सी फ्रेशनेस सी आ जाती है मुंह में तो अच्छा लगता है। तो अब हम इसमें डाल रहे हैं 2 चम्मच मलाई।
तो अगर आप इसको स्किप करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, मगर मलाई डालने से ना सब्जी थोड़ी सी ना शाही हो जाती है, थोड़ी सी रॉयल हो जाती है, तो इसका टेस्ट और भी बढ़िया हो जाता है। मगर अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं, ये सब्जी ऐसे भी बहुत बढ़िया बनती है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को इस समय हम कर देंगे बिल्कुल हाई पे और इसको ढक देंगे। तो यहाँ पे हम थोड़े हलचल ले लेते हैं। तो ये मलाई हमारी पूरी तरीके से मेल्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसमें डाल देंगे ये बढ़िया सी पालक की प्यूरी, मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से। और ये कटोरी में ही जो पालक था मैंने उसमें थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसमें वापस से डाल देते हैं और इसे करते हैं अच्छे से मिक्स मिक्स मिक्स। तो पालक को 5-8 मिनट के लिए ढक करके मीडियम फ्लेम पे हम पका लेते हैं ताकि इसका सारा रॉ फ्लेवर चला जाए और फिर हम इसके हालचाल ले लेते हैं। तो अभी ही हम इसमें ये फ्राइड आलू डाल देते हैं। तो आलू हमारे ऑलमोस्ट गल चुके थे मगर अभी हम इन आलूओं को डाल देंगे ताकि ये पूरी तरीके से गल जाएं और पालक के जो फ्लेवर्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लें, मतलब पूरी जो सब्जी है वो एक सार हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पालक अलग लग रहा है और आलू अलग लग रहे हैं। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और अब हम इसको ढक करके 5 मिनट के लिए इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम पे कर दिया है। तो यहाँ पे हम सब्जी के हालचाल ले लेते हैं और ये तो बहुत ही बढ़िया लग रही है, आप खुद देख सकते हैं ऑयल पूरा सेपरेट आउट हो गया है। तो यहाँ पे मैंने 2 तेज पत्ते डाले थे तो उनको हम हटा देते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इसका बनाएंगे तड़का। तो तड़का लगाने के लिए हमने पैन में घी ले लिया है और अब हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ अदरक, कटा हुआ लहसुन, 2 लाल मिर्चें डाल देंगे। तो यहाँ पे जब तड़का पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा, लहसुन हल्की हल्की पक जाएंगी, लहसुन को जलने नहीं देना है, तब हम इसमें ये थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे कलर के लिए। और यहाँ पे हमारी सर्विंग हांडी भी तैयार है अपने प्यारे से तड़के के लिए। तो ये हम तड़का डाल देते हैं इसके ऊपर और वाह क्या खुशबू आ रही है इस समय तड़के की। एंजॉय करिएगा इस स्पेशल शाही आलू लहसुनिया की सब्जी को गर्मा गर्म चपाती इसके साथ। एंजॉय।